नमस्कार दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आप लोगों ने देखा है कि अजमेर डिस्कॉम ठेके प्रथा के ऊपर जीएसएस देने जा रहा है। इसके साथ ही आप लोगों ने देखा कि 5 साल के अनुबंध के तहत अग्निवीर योजना की तरह भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। इसको लेकर के अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन इसमें जो सच्चाई यही है कि अनुबंध के तहत ही आने वाली भर्तियों की विज्ञप्ति जारी होगी। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर विभाग अनुबंध के तहत या भर्तियों की विज्ञप्ति के लिए प्रोसेस नहीं शुरू करता तो अजमेर डिस्कॉम से 25 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वित्त विभाग की मंजूरी के लिए, वो विभाग जारी क्यों करता? राजस्थान पत्रिका में जब न्यूज छपती है तो बिना ऑथेंटिक के कोई भी न्यूज नहीं छपती है, उसका क्या तात्पर्य है? अजमेर डिस्कॉम में 1713 जीएसएस है, वो ठेके के ऊपर देने की जो प्रक्रिया शुरू की जा रही है वो क्यों की जा रही है? इन सब बातों से 10 मार्च 2023 को मुख्य सचिव उषा शर्मा ने एक लेटर जारी किया था, संविदा के ऊपर जो लगे हुए कर्मचारियों को भी शामिल करने के साथ ही निगम बोर्ड विश्वविद्यालय तमाम जो उनके ऊपर आने वाली जो भर्तियों की विज्ञप्ति है वो संविदा के तहत जारी करने के लिए। तो इन सब तथ्यों के आधार पर मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, कुछ राजनीतिक लोग जुड़े हुए होते हैं जो अपने पार्टियों की बुराई नहीं करना चाहते। जैसा कि आप लोगों ने देखा, टेक्निकल हेल्पर रिजल्ट को लेकर के उन लोगों ने कहा था कि अभी इस परिणाम के अंदर समय और लगेगा, विभाग व्यस्त है, बना रहा है और 25 जनवरी तक परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। उसी समय मैं जयपुर में था, आप लोगों को पता है, और जयपुर में हाथों हाथ मैंने वो ट्वीट देखने के बाद में मैंने हाथों हाथ आप लोगों को आश्वस्त किया कि परीक्षा परिणाम कल ही 10 जनवरी को ही जारी होगा। तो कुछ राजनीतिक लोग जुड़े हुए होते हैं और उनका अपना अपना मत होता है, मैं किसी के बारे में यहाँ कमेंट और नाम नहीं लेना चाहूंगा, सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, लेकिन जो सत्य और वास्तविकता मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वो मेरा कर्तव्य है। बिना ऑथेंटिक न्यूज के मैं आप लोगों के सामने कोई ना वीडियो बनाता हूँ ना कोई जानकारी दे पाता हूँ। जो 1713 जीएसएस देने की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, 2-3 दिन से काफी अपडेट आ रही थी इसको लेकर के, विद्यार्थियों के कॉल में मैसेज आ रहे थे, सोचा कि आप सभी लोगों के सामने जानकारी शेयर कर दी जाए ताकि आप लोगों को भी पता चले कि भर्तियां की विज्ञप्ति क्या सिचुएशन है। ये जो जानकारी मैं दे पा रहा हूँ ये आप लोगों को दैनिक भास्कर में 28 अप्रैल 2023 को अजमेर डिस्कॉम अजमेर जिले के अंदर मिल जाएगी। दैनिक भास्कर में जिले वाइज मैं लिस्ट आप लोगों को बता देता हूँ किस जिले में कितनी जेएसएस ग्रेड सब स्टेशन ठेके पर दिए जा रहे हैं, प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया को लेकर कुछ चुनौतियां हैं जिसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के अंदर रिट याचिका दायर की गई है और 2 हफ्ते के अंदर इसका जवाब तलब किया गया है। जैसे ही प्रक्रिया जयपुर हाईकोर्ट से संपूर्ण हो जाएगी, ठेके के ऊपर देने का कार्य जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 1713 जीएसएस जो ठेके के ऊपर अटके हुए हैं, विभाग इनको ठेके के ऊपर क्यों दे रहा है? क्योंकि विभाग संविदा के ऊपर भर्ती जारी करने जा रहे हैं। ठेका प्रथा से अगर कर्मचारी मिल रहे हैं तो अस्थायी रूप से भर्ती कैसे जारी करेगा? जिलेवार जो लिस्ट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस जिले में कितने जीएसएस ठेके के ऊपर जाएंगे। अजमेर सिटी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर 78 जो जीएसएस है वो ठेके के ऊपर जाएंगे, 78 जीएसएस। भीलवाड़ा के अंदर 188 जीएसएस, नागौर के अंदर सबसे अधिक जीएसएस है 332 जीएसएस। एक जीएसएस के अंदर आप 4 कर्मचारी मान के चलिए तो कितने कर्मचारियों की यहाँ पे आवश्यकता होगी? सीकर जिले के अंदर 251 जीएसएस, झुंझुनू जिले के अंदर 177 जीएसएस, चित्तौड़गढ़ में 159 169 जीएसएस दिए जाएंगे, राजसमंद में 118 जीएसएस दिए जाएंगे, प्रतापगढ़ में 80 जीएसएस दिए जाएंगे, उदयपुर में 169 169 जीएसएस दिए जाएंगे, बांसवाड़ा में 88 जीएसएस दिए जाएंगे, डूंगरपुर के अंदर 73 जीएसएस 73 जीएसएस दिए जाएंगे।
कूल जेसस की बात करें यहाँ पे तो 1713 जेसस बनते हैं। अगर इनके अंदर चार चार कर्मचारी लगाए तो कितने पदों की विज्ञप्ति जारी हो सकती है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वो लोग भी ये बोल रहे हैं कि संविदा के ऊपर भर्ती जारी होगी, तो संविदा के ऊपर जो कर्मचारी मिल रहे हैं सरकार को, ठेके के ऊपर कर्मचारी मिल रहे हैं, तो सरकार अस्थायी रूप से भर्ती क्यों जारी करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। आप लोगों ने देखा मुख्य सचिव 10 मार्च को एक लेटर जारी करती है जिसमें निगम बोर्ड विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएं उनके अंदर जो संविदा के ऊपर लगे हुए कर्मचारियों को शामिल करने की बात की जा रही है। 25 अप्रैल को जो विभाग ने जो लेटर जारी किया था वो विभाग जारी क्यों करता? तो इन सब बातों से तात्पर्य ये है कि आने वाले समय के अंदर अनुबंध के तहत ही अग्निवीर योजना की तरह भर्तियां जारी होनी जा रही है। अभी आप लोगों के पास में उचित समय है। जिस प्रकार से मंत्रालय के जो कर्मचारी है काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मानसरोवर के अंदर अपनी मांगों को मनवाने के लिए, उसी प्रकार से आप भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए आपको एकत्रित होना होगा, संगठित होना होगा, गांव ढाणी से, जिले से, तहसील से। जब तक आईटीआई विद्यार्थियों में एकता नहीं होगी सरकार आपका ऐसे ही फायदा उठाएगी। आईटीआई करने का फिर कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। लाखों रुपए देकर के आप लोगों ने आईटीआई की है, सब ने आईटीआई की है, तैयारी करते हो, परिणाम आप लोगों के सामने है कि विभाग अंडर अंडर में क्या कार्य कर रहा है, नीचे नीचे आप लोगों को पता भी नहीं है कि वास्तविकता क्या है। इसलिए जो मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को सच्चाई तक अवगत करवाने का, अभी आपके पास में उचित समय है, चुनाव का समय है, जो डिसीजन आप लोगों को लेना है अगर आप लोग साथ देते हैं, भाई साहब से संपर्क करते हैं, ऊर्जा मंत्री जी से संपर्क करते हैं, मुख्यमंत्री जी से संपर्क करते हैं, ज्ञापन वगैरह देते हैं, तो 2019 के जो बजट में 6,000 पदों के लिए घोषणा की थी, जो बाकी बचे हुए 4488 पोस्ट हैं उनके ऊपर भी विज्ञप्ति जारी हो सकती है। जलदाय विभाग में 2013 के बाद में काफ़ी लंबे समय से भर्ती जारी नहीं हुई है, वो भी हो सकती है। आपको सोचना और समझना ही होगा कि 4 साल के कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आप लोगों को कितने पदों के ऊपर भर्तियों की विज्ञप्ति देखने को मिली, कितने लोगों को रोजगार मिला। आप लोग अभी संगठित नहीं होंगे तो फिर आने वाले जो समय है उसमें भी ऐसे ही करते रहना। मैं बार बार आप लोगों से अपील करता हूँ, जिस भी संस्था में आप पढ़ते हैं, जो भी आपके टीचर हैं, उन सभी से संपर्क कीजिए कि सर हमारी कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती है, जलदाय भर्ती है, राजस्थान रोडवेज भर्ती है, टेक्निकल हेल्पर भर्ती है, उत्पादन में 681 पदों के ऊपर भर्ती है, तो ये भर्ती निकलवाने के लिए हमारा सहयोग दीजिए, साथ दीजिए, तब जाकर के सरकार सुनेगी। मंत्रालय के जो कर्मचारी हैं पिछले काफी लंबे समय से 15-20 दिन से वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों के सामने है। एक दिन से धरना प्रदर्शन से ज्ञापन देने से वो नहीं है। घर बैठे कुछ बच्चे होते हैं जो कमेंट कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं कि सर भर्ती का क्या हुआ, कब तक आ रही है। अरे भाई घर बैठे कोई भी भर्ती जारी नहीं करेगा, घर बैठे आपको खाना भी नहीं मिलेगा, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खेत में मेहनत करनी पड़ेगी, आटा पिसा के लाना पड़ेगा, सब कुछ है। तो इसके एक जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, तो अपनाना पड़ता है, सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ता है। बिना दबाव के आज के समय में कोई भी कार्य नहीं करता है। जो जेएसएस की जो प्रक्रिया थी ठेके प्रथा के ऊपर आप लोगों के सामने है, दोनों अपडेट मैंने आप लोगों के सामने रखी है। डिसीजन करना आप लोगों का कर्तव्य है, आप लोग साथ देते हैं या फिर घर बैठे ही बात करते हैं, जानकारी आप लोगों को, ऑथेंटिक जानकारी मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। बिना ऑथेंटिक के मैं कोई भी तथ्य आप लोगों के सामने पेश नहीं करता हूँ। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है कि ये गलत है तो उसका मैं प्रमाण आप लोगों को दे सकता हूँ। 28 अप्रैल 2023 अजमेर में दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में आप न्यूज देख सकते हो। उसके बाद में मैंने काफ़ी लोगों से संपर्क करने के बाद में ये जानकारी आप लोगों तक जुटाई है और दी है कि विभाग अजमेर डिस्को 1713 जेसस ठेके के ऊपर देने का कार्य कर रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को जागरूक होना होगा, आईटीआई विद्यार्थियों में एकता लानी होगी, तब ही भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो सकती है। अन्यथा विभाग जो आज तक अपने मन की मर्जी करता है वो ही करेगा, और आप लोगों के सामने है परिणाम कितने पदों के ऊपर कितने लोगों को 4 साल 4.5 साल के कार्यकाल में नौकरियां मिली हैं। ठीक है दोस्तों,
जैसे ही और कोई अपडेट होगा मिलते हैं। सबसे सटीक जानकारी के लिए देखते रहे वीएस नॉलेज इलेक्ट्रिक चैनल।